IRFC के शेयर लिए थे सर, 200 शेयर 160 पे। तो सर मुझे क्या करना चाहिए अभी इन पे? 200 से लिए थे 160 पे, अभी चल रहा है 144। इन्वेस्टर हैं आप? सर मतलब मैं ऐसे मतलब प्रॉपर इन्वेस्टर तो नहीं, मतलब सर अभी जस्ट स्टार्ट ही किया था तो ये अच्छे चल रहा था सर, इसलिए एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था तो मैंने ले लिया था सर ये। कितने दिन के लिए लिया था आपने ये? सर मतलब ऐसे मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था, मतलब 6 महीने साल भर के हिसाब से लिया था सर। ओके, मानो जी 6 महीने साल भर अगर रुका जाए इसमें IRFC में तो पैसा बनेगा क्या? देखिए हो सकता है क्योंकि जो कंसोलिडेशन पिछले करीब अगर हम बात करें 6-7 हफ्ते में देखने को मिल रहा है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोलैप्स हो गया स्टॉक। कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और उससे पहले एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली थी। मेरे ख्याल से जब तक ये 128 और 125 की रेंज के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, आप अपनी पोजिशन में बने रह सकते हैं, क्योंकि 125 पे 20 वीक मूविंग एवरेज है, और जो अभी कुछ दिन पहले एक लो बना था 127, वहां पर भी एक प्राइस सपोर्ट है। तो उस रेंज के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहे, अपनी पोजीशन में बने रहिए। स्टॉप लॉस रखना चाहे तो 100-120 रुपए के नीचे लगा के रखिए। ऊपर की तरफ मूव अब तब देखने को मिलेगा जब 155-160 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिले। अगर आप लगातार देखिए 155-160 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा मूव फिर से आने को तैयार है।